दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक प्रशांत। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले चेन ड्रिवन मोटर वर्सेस हब मोटर। ये काफी कॉमन सा सवाल है कि हब मोटर अच्छा है या चेन ड्रिवन अच्छा है। तो इसमें हम पूरा डिफरेंस बताऊंगा। ये जो मोटर है ये 1000 वाट की स्कूटर मोटर है, ये भी 1000 वाट की ई रिक्शा मोटर है, पर ये भी स्कूटर में यूज हो सकती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं हमारे चेन ड्रिवन BLDC मोटर के बारे में। तो ये 48 वोल्ट की 1000 है, जिसका रेटेड स्पीड है RPM आप बोल सकते हो 3300 RPM है। रेटेड टॉर्क है 18 न्यूटन मीटर है और रेटेड करंट 26 एम्पियर है। और बाकी सारे टेक्निकल आपको और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्प्ले पे दे दूंगा। तो बात करते हैं इस मोटर की। तो ये मेनली यूज होता है ई रिक्शाज और काफ़ी सारे DIY प्रोजेक्ट्स में। आप इसमें मिनी कार बना सकते हो, एक बाइक भी बना सकते हो। इसका स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है 25 से। आप इससे और भी कर सकते हो, अगर आपने कंट्रोलर चेंज किया है तो आप उससे बढ़ा भी सकते हो। तो बात करते हैं इसकी वेट की। हब मोटर से कंपेयर तो वेट काफ़ी कम है और कॉम्पैक्ट है। इसमें थोड़ा हैजलनेस होता है चेन ड्रिवन वो सब करने में। तो बात करते हैं सबसे वाइडली यूज मोटर के बारे में, जो है 10 इंच का BLDC हब मोटर। ये विद टायर नहीं आता, इसमें आपको विद टायर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मेनली यूज़ होता है स्कूटर्स में, जितने भी आपको एम्पियर, बाद में ओकिनावा, जितने भी आपको स्कूटर्स मिलते हैं इसमें सिमिलर मोटर्स मिल जाते हैं। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम इंक्लूडेड रहता है, मतलब किसी में हब मोटर में डिस्क ब्रेक रहता है या तो ड्रम ब्रेक रहता है। इसमें वेरिएंट्स आते हैं, इसमें 1000 वाट से लेकर 2000 वाट के मोटर्स आते हैं। जो रेटेड वोल्टेज रहता है वो 48 वोल्ट 60 वोल्ट रहता है, और जो वेट रहता है अराउंड 8-10 की जिसका रहता है। तो ये थोड़ा चेन ड्रिवन से थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है इन लोग का। तो बात करते हैं इसकी रेटेड एफिशिएंसी, तो मोर देन 80% है। और मेन यूज़ इसका इलेक्ट्रिक स्कूटर में होता है, और बाकी सारे DIY में भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिम साइज 10 इंच है, RPM एट नो लोड है 60 वोल्ट पे 425 RPM। और बहुत सारे डिटेल्स आपको जानने हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉज करके। इसका जो वेट लोडिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 200 kgs है, पर वहाँ पर बात करें चेन ड्रिवन की तो अराउंड 300 kilos तक मैंने उस मोटर को देख लेते हुए। So this video is brought to you by Unacademy. Unacademy is India's largest platform for education platform to the students. So Unacademy has top educators from the country to guide you regarding 10 boards, 12 board, JEE, NEET and many more things. So talking about the subscription plan of Unacademy, there are two types of subscription. One is a plus, one is iconic. There are many more common things between them, like you have top educator, you have live doubt solving sessions, then study planner for both, and study material which is excessive of your course. So talking about the iconic plan, they have a special mentor for you, a guide who will guide throughout the course. He will help you and connect you with top educators. He will tell your parents about your progress report, and parent can convey their any query regarding the study planner. He can convey to the mentor, and they have study tracker planner for you in the iconic part. So if you want to have the subscription, you can avail 10% discount by using the code technology on Unacademy app. So if you want to have the subscription, there is a price list of the subscription. You can gain 10% discount by using the code technology. And if you have any more details regarding that, you can check their app, that is Unacademy, on the Play Store and the App Store. तो बात करते हैं हब मोटर वर्सेस चेन ड्रिवन मोटर। इसमें मैं ये दो मोटर्स के बारे में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, इन जनरल मैं इनके डिफरेंस बताऊँ आपको। तो बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हब मोटर के बारे में। तो मेन एडवांटेजेस हब मोटर का यही है कि काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, तो इजी टू फिट है। तो इजी टू फिट मैं बोलता हूँ, पर इजी टू रिमूव नहीं है, मैं आगे जाके बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे बात करूँ तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन की, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो अगर आप बाकी सबसे देखेंगे चेन ड्रिवन और बेल्ट ड्रिवन, तो उसमें काफ़ी हैजल रहता है। आपको प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है आपकी चेन को या बेल्ट को, और कहीं भी स्लिप हुआ तो बेल्ट निकल सकता है। तो हब मोटर में वैसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली आपको फिट करना, और इसमें कुछ कामधान भी नहीं है। तो इसकी बात करें आगे, तो इसमें आपको प्रॉपर टॉर्क मिल जाता है, मतलब कंटिन्यूस टॉर्क और कंटिन्यूस एक्सीलरेशन आपको हब मोटर में मिल जाता है। जैसे आप हायर मोटर्स पे जाते हो तो आपको और अच्छा मिलता है। इससे अगर आप बात करें तो कर्व वेट की, तो कर्व वेट काफ़ी रिड्यूस करता है हब मोटर। और तो मेन एडवांटेजेस हब मोटर का है प्राइस पॉइंट पे। जो हब मोटर्स हम लोग को अभी मिल रहे हैं तो काफ़ी चीप है और काफ़ी रिलायबल है। तो हब मोटर मैं प्रीफर करूँगा अगर आप एक गाड़ी बना रहे हैं, DIY बना रहे हैं, स्कूटर लेने भी जा रहे हैं, तो अगर आपका यूजर 50-60 किलोमीटर का टॉप स्पीड है तो हब मोटर के लिए आप जा सकते हैं। पर अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप कभी भी चेन ड्रिवन और बेल्ट ड्रिवन में प्रीफर कर सकते हैं हब मोटर के ऊपर। तो बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की।
तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है अंडर पावर्ड है, जब भी आप स्लोपी एरियाज में जाओगे तो उसका एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होता है, आपका स्पीड भी डिक्रीज होता है और आपका जो लोडिंग कैपेसिटी वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है अराउंड 200 kg तक। पर चेन ड्रिवन में 300-400 kg तक मैंने वही सेम पावर के मोटर्स को लेते हुए देखा है मैंने, पर उनका स्पीड कम रहता है वहाँ पर। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है, तो काफ़ी साइन वेव कंट्रोलर्स आते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो बात करते हैं इसकी असेंबली की, जो सबसे बड़ा हैजल है अगर आपका टायर पंचर होता है या हब मोटर में कुछ रिपेयर है तो आपको पूरा हब मोटर निकालना पड़ता है, पूरा वायरिंग सिस्टम से निकालना पड़ता है, तो ये काफ़ी हैजलनेस होता है। अगर आप नॉर्मल किसी पंचर वाले का जाएंगे तो ऐसा कोई करेगा नहीं, अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो आपका काफ़ी ईजी है, तो इसमें आपको इशू नहीं होगा। तो जो मोटर है हब मोटर वो एयर कूल्ड रहता है, और इसका मेन रीज़न है ये सिटी राइड के लिए ठीक है, लॉन्ग के लिए आप बोल सकते हैं आप चेन ड्रिवन या बेल्ट ड्रिवन प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हब मोटर में जो पावर आउटपुट है लिमिटेड रहता है। मतलब मैंने जैसे पहले बताया कि 50-60 के स्पीड के लिए आपको हब मोटर जाना चाहिए, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए बाइक और स्कूटर के लिए तो आप कभी भी मिड ड्राइव जो किट आता है चेन ड्रिवन या बेल्ट ड्रिवन के लिए जा सकते हैं। तो बात करते हैं चेन ड्रिवन मोटर के बारे में, तो चेन ड्रिवन मोटर का पहला एडवांटेज ये है कि इसका वेट जो हब मोटर से काफ़ी कम रहता है, और काफ़ी इसके वजह से एनहांसमेंट आपको मिल जाता है। इसमें आपको चेन ड्रिवन के साथ आपको बाकी सारी चीज़ें जैसे आती है उसका चेन, उसका आगे का स्प्रॉकेट, व्हील का अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आती है, थोड़ा एडवांस रहता है चेन ड्रिवन मोटर में। हब मोटर में एक सिंगल हब मोटर रहता है, डायरेक्टली प्लेस हो जाता है। और यहाँ पे बात करें चेन ड्रिवन मोटर की, तो इसमें काफ़ी अच्छा टॉर्क अचीवेबल है, मतलब आपको ज़्यादा टॉर्क और आपको स्पीड चाहिए, एक्सेलरेशन अच्छा चाहिए, तो आप कभी भी चेन ड्रिवन या बेल्ट ड्रिवन मोटर पे जा सकते हैं। इसमें भी काफ़ी तरह के मोटर्स आते हैं, सिंक्रोनाइज मोटर काफ़ी सारे हैं, मैं स्क्रीन पे थोड़े टाइप्स बता दूंगा आपको, आप पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया में खाली एथर एनर्जी एक है जो चेन ड्रिवन नहीं बेल्ट ड्रिवन मोटर यूज़ कर रहा है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है हब मोटर से, क्योंकि इसमें क्या होता है काफ़ी अलग अलग टाइप के मोटर्स भी आते हैं। जो ये मोटर मैं दिखा रहा हूँ ये ई रिक्शा में होता है, तो इसका एफिशिएंसी इतना अच्छा नहीं है जितना आपको हब मोटर दे सकता है, पर इसमें अगर आपको प्रॉपरली प्लेस करते हो, गियर रेशियो बराबर रखते हो, तो आपको जो एफिशिएंसी है वो आपको हब मोटर से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो इसका मेन बेनिफिट है इस मोटर का तो कूलिंग का है, तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता हब मोटर के जितना। अगर आप हब मोटर कहीं भी लेके जाते हो तो काफ़ी हीट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अराउंड 50-60 किलोमीटर कंटिन्यू चलाते हो तो आपका हब मोटर काफ़ी गर्म हो जाता है। और वही अगर ये मोटर की बात करें तो ये कॉम्पैक्टेबल है, इसमें आप लिक्विड कूलिंग भी दे सकते हो, एयर कूलिंग भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऑलरेडी आप जो बाइक्स यूज़ कर रहे हो जो पेट्रोल की बाइक्स है वो भी चेन ड्रिवन है, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा चेन ड्रिवन पेट्रोल इलेक्ट्रिक में, खाली इलेक्ट्रिक में आपको जो टॉर्क है काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी फास्ट रहेगा। तो फिर कंक्लूजन पे आओ कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। मेरे लिए सिटी राइड के लिए कभी भी हब मोटर प्रेफरेबल है, अगर आपको डेली राइड अगर आपका 60 किलोमीटर से ऊपर है और आपको जो टॉप स्पीड है 60-70 किलोमीटर चाहिए तो आप कभी भी चेन ड्रिवन मोटर या बेल्ट ड्रिवन मोटर के पास जा सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.